shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त क्लैशिंग प्रणव। स्वागत करता हूँ अपने क्लैश ऑफ क्लैंस एक और नए अमेजिंग वीडियो में। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला राउंड 3 के ऊपर। एंड गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा तो गाइस फटाफट से जाके देख सकते हो। गाइस ये वाला वीडियो था राउंड 2 के ऊपर। एंड आज के वीडियो से हम कवर अप करेंगे राउंड 3 के ऊपर। तो गाइस आपको क्या लगता है गाइस, क्या हम राउंड 3 जीत पाएंगे, क्या हम गाइस अगले में प्रमोट हो पाएंगे? तो गाइस वीडियो में बने रहिए। एंड गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बटन बेल आइकन जो ऑल पे कर लेना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट हिट ले रहे हैं अपने वॉरियर आशु, मतलब अपने आशु भाई। एंड आर्मी की बात करें तो यहाँ पे सुपर ड्रैगन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैप सुपर ड्रैगन। तो देख रहे हैं साढ़े में इन्होंने अर्थक्विक डिप्लॉय कर दिया है एंड अर्थक्विक और लाइटनिंग से यहाँ पे इन्होंने मल्टी टेक डाउन कर लिया एंड एयर डिफेंस और एक एक्सपो एंड बटर लाइटनिंग से इन्होंने यहाँ पे स्वीपर को निकाला है। सो देखते हैं गाइस इनका क्या प्लान है। इन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है फ्लेम फिंगर, लेकिन यहाँ पे निकला टेस्ला। सो कोई दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे डैमेज पड़ रहा है फ्लेम फिंगर थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे कुछ लूज डाल के क्लियर कर लिया है। यहाँ पे सुपर कॉपिंग डिप्लॉय कर दिया है फनलिंग के लिए। सो 12 o'clock का पार्ट यहाँ पे फ्लेम फिंगर निकाल देगा एंड यहाँ से आप ड्रैगन चुप सुपर ड्रैगन स्पैम कर देंगे। फनल तो बन गया अच्छा खासा। अब देखते हैं हीरो से क्या वैल्यू निकालते हैं। पे स्टार्टिंग में आइस गोलम डिप्लॉय कर दिए, क्वीन आ चुकी है। यहाँ पे आ चुका बेबी ड्रैगन, आइस गोलम उड़ चुका है, तो थोड़ी दिक्कत की बात है। सो किंग आ चुका है बाहर की साइड में एंड क्वीन यहाँ से अभी टाउन हॉल ले लेगी। एक आ चुका है रेस स्पेल, तो देखते हैं वार्डन की बिल्कुल परफेक्ट एबिलिटी। सो काफ़ी यहाँ पे डैमेज बढ़ रहा है ट्रुप्स के ऊपर। एयर डिफेंस यहाँ पे फनल तो काफ़ी अच्छा बना है, किंग ने काफ़ी अच्छा पार्ट बना दिया सुपर ड्रैगन्स के लिए। ठीक है राइट साइड वाला पोर्शन भी, सॉरी लेफ्ट साइड वाला पोर्शन भी यहाँ पे फ्लिप विगन ने काफ़ी अच्छा से निकाल लिया है एंड सीसी में लग के ड्रैगन राइडर्स। तो देखते अभी तक तो अटैक सही चल रहा है, एक सुपर ड्रैगन पहुंच चुका है कोर में। यहाँ पे ब्लैक माइन लगता हुआ एंड यहाँ पे केवल 2 सुपर ड्रैगन बचे हैं। भाई साहब कहाँ उड़ गए सुपर ड्रैगन, 1, 2, 3 गिन के गए, सिर्फ 3 में भी सुपर ड्रैगन बचे हैं एंड डिफेंस यहाँ पे बस एक मल्टी बचा है। किंग क्या मल्टी एंड सुपर ड्रैगन की हेल्थ भी काफ़ी कम है। सो मेरे को तो अभी से अटैक ख़त्म सा लग रहा है। बेबी ड्रैगन कुछ खाड़ पाया क्या? सो गाइस देखते हैं, ओ सुपर ड्रैगन क्लच कर गया लेकिन टाइम बहुत ही कम है इनके पास। सो देखते हैं, लेकिन भाई साहब ये आर्चर टावर। सो यहाँ पे ये अटैक तो हो चुका ख़त्म एंड ये चुका प्रॉपर फेल अपने आशु भाई का। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट हिट हो गया 2 star 85%। सो गाइस चलिए देखते हैं नेक्स्ट हिट में हम क्या ले पाते। तो गाइस सेकंड हिट ले रहे हैं अपने किंग खान भाई साहब एंड इनकी आर्मी की बात करें तो हाइड्रा आर्मी यूज कर रहे हैं, हाइड्रा में ब्लिजार्ड। सो देखते हैं स्टार्टिंग में कुछ लूंस एंड सुपर गॉब्लिन से फनल, सॉरी सिकी गॉब्लिन से। यहाँ पे आ चुका है किंग क्वीन सारे के सारे सुपर ड्रैगन्स, सुपर ड्रैगन सॉरी नॉर्मल ड्रैगन्स एंड ड्रैगन राइडर्स। भाई साहब इंटरनेट स्लो कैसे पड़ रहा है मेरा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ चुका है ग्रेस स्पेल, भाई साहब स्वीपर के मुंह के आगे से सुपर ड्रैगन डिप्लॉय की नहीं है एंड वार्डन की बिल्कुल एबिलिटी परफेक्ट। देखते ब्लिम क्या टाउन हॉल तक पहुंच पाएगी। तो ब्लिम आ चुकी है, इनवी आ चुका है, रेज सॉरी क्लोन रेज
एक और इनवी एंड भाई साहब आर्मी तो जैसे गायब मानो गायब ही हो गई है लिटरली। भाई साहब आर्मी तो पूरी गायब हो गई इनकी, मुद्दा बचा है। एंड देखते हैं कि क्लोन इनवी से कितनी वैल्यू निकलती है। यहाँ पे सुपर विजर्ड से 56% निकल चुका है। क्वीन की एबिलिटी अभी भी आरसी होल्ड है, आरसी कब डिप्लॉय करेंगे ये देखने वाली बात है। टेवी को आरसी आ चुके हैं यहाँ से एंड देखते गाइस परसेंटेज कितना खींच पाते, क्योंकि अटैक तो 3 स्टार होने से रहा है, डैमेज इतना बचा है। तो देखते कि परसेंटेज के मामले में कितना परसेंट खींच पाते हैं। एंड हाँ गाइस इनके बेसिस काफ़ी तगड़े हैं, ये टीम जो है इंडिया वाले वहाँ गाइस काफ़ी तगड़ी टीम है ये, इनके बेसिस काफ़ी अच्छे हैं, डिफेंड हो रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर 64% आ चुका है, अभी भी इनके आर्स की एबिलिटी बाकी है, आर्स की एबिलिटी आ चुकी है 68% हो चुका है, यहाँ पर 69% 70 क्लीन अप डिप्लॉयड मतलब क्लीनर ट्रुप्स बहुत देखा 71% ओ मोटर वन स्पीड 72% हो चुका है। देखते कितना और खींच सकते हैं। इंटरनेट क्यों स्लो पड़ रहा मेरा आज 74 75 हो चुका है यहाँ पे। एंड आई थिंक 76 हो जाएगा। तो गाइस सेरा किंगकान का अटैक सेकंड नंबर हो चुका है यहाँ पे 77%। अगर देखते हैं थर्ड हिट में, तो गाइस थर्ड हिट आ रहा है हमारे यहाँ पे मॉन्स्टर वाइटी की तरफ से। एंड ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्यूसी लालो एंड सीज ब्रेक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अक्सर बहुत कम होता है लावाजन आर्मी में, कोई ज़्यादा यूज़ करता नहीं, लेकिन ये यूज़ कर रहे हैं। तो देखते स्टार्टिंग में इन्होंने क्वीन डिप्लॉय कर दिया, क्वीन से आई थिंक मल्टी करना चाहते, क्वीन आ चुकी है अंदर, लेकिन हीलर टारगेट आ चुकी है जो दिक्कत की बात है। एक रेज आ चुका है, सुपर वॉल ब्रेकर परफेक्ट, कुछ एयर हिल्स निकले यहाँ पे जो कि थोड़ी दिक्कत की बात है। सीसी में से निकले हेड एंटर और सुपर मिनियंस एंड क्वीन की एबिलिटी नहीं बचा, इस पर कर जाएगी एंड एक विच भी निकली है। सो एनिमी किंग दोनों टेक डाउन कर लिया, यहाँ पे 12 o'clock पे किंग आता हुआ एंड सीज बैर है, सुपर ऑल ब्रेक फेल होता हुआ, लेकिन सेकंड सुपर वॉल ब्रेकर काफ़ी ओपी। यहाँ पे ऐसे किंग की अर्ली एबिलिटी, सो किंग से यहाँ पे दूसरा मल्टी खाने की कोशिश, लेकिन पेका भी मर चुका है जो कि दिक्कत की बात है। एंड एनिमी किंग भी किंग भी मर चुका है, सो इनका मल्टी तो नहीं मिल सकता, नहीं मिल जाएगा क्योंकि सीसी ऑफ निकल चुके हैं, तो सीसी के ऑक्स तो डेफिनेटली निकाल लेंगे अभी मल्टी को। यहाँ पे क्वीन टाउन हॉल को टारगेट करती हुई, लालो स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी अच्छा पाथ बना है। वार्डन टोर्नाडो में लून्स फंस गए जो कि दिक्कत की बात है अभी। सो क्वीन यहाँ पे जैसे जैसे सर्वाइव कर रही है, एबिलिटी है क्वीन की, ईगल टेक डाउन हो चुका है, स्वीपर भी टेक डाउन कर लिया, यहाँ पे कुछ कैरेज स्पेल डाल दिए ताकि ये डिफेंस डिस्ट्रैक्टेड रहे। एक रेज भी लग चुका है, टाइम की दिक्कत है, टाइम बहुत कम है एंड अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेस 40% के आसपास बेस क्लीन अप करना बचा है इनके, तभी एक हेज स्पेल बची है। लेकिन वैसा भी लून गायब ना हो जाए, एच पी बहुत कम है, एक ही लून बचा है, क्लीन अप तो काफ़ी है लेकिन टाइम बहुत ही कम है। क्वीन वापस से रिजनरेट हो चुकी है, फुल हेल्थ हो चुकी है,
लेकिन गाइस टाइम काफ़ी कम बचा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। देखते हैं कितना परसेंट खींच पाते हैं मॉन्स्टर भाई अपने। सो देयर वी गो, 90% टाइम फेल होता हुआ यहाँ पे हमारा थर्ड हिट। सो गाइस अभी तक तो मैं सबसे एक भी ट्रिपल नहीं आया, अपन काफ़ी तगड़े है। लेकिन गाइस ये ट्रिपल हो सकता था लेकिन टाइम फेल हो गया, किस्मत नहीं, किस्मत ख़राब थी हमारी। सो गाइस देखते हैं फोर्थ हिट कैसा होता है हमारा। तो गाइस फोर्थ हिट आ रहा है एमराइट्स की तरफ से एंड ये भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्यूसी लालो। तो देखते हैं स्टार्टिंग में इन्होंने नीचे की साइड से क्वीन डिप्लॉय कर दी है, सारी की सारी हिलर्स आ चुकी है, बेबी ड्रैगन किंग फनलिंग के लिए, वॉल ब्रेकर्स आ चुके हैं, क्या बात है, वॉल ब्रेक इजीली हो गई है, फनल तो बन गया है, अभी क्वीन सीधा अंदर आएगी। सो देखते हैं इनका एक्चुअली प्लान क्या है, क्योंकि क्वीन से इनको एक भी मल्टी नहीं मिल रहा है। सो मुझे ये देखना है कि वैल्यू क्या निकालना चाहते हैं क्वीन से। ओके तो यहाँ पे इन्होंने एक और लेयर डाल दी है, सीसी में से निकले सुपर मिनियंस, क्वीन पे आ चुकी है रेज, देखते हैं क्वीन के अंदर आएगी, बिल्कुल अंदर आएगी, देखते हैं अभी सुपर मिनियन भाई साहब। वो एक सुपर मिनियन ने काफ़ी दिक्कत दी, प्लस एनिमी क्वीन भी थी, तो भाई साहब एबिलिटी मजबूरन गंवानी पड़े। लेकिन देखते हैं अभी भी जान बाकी अटैक में। सो यहाँ पे इन्होंने लावा लाल अपना स्टार्ट कर दिया है, रेड माइंड ब्लैक माइंड सब लावा को हिट हो रहा है, फ्री स्पेल आता हुआ, हेस्ट स्पेल, मल्टी, चलो मल्टी मिल जाएगा ऐसे इनको, एंड रेस स्पेल। क्वीन बावली कह के कहाँ जा रही है, अरे वॉल फोड़ रही है भाई साहब, क्या ही बोले। ब्लैक माइन लगता है स्टोन स्लैमर को एंड इन्होंने सीसी में से लूज लिए थे भाई साहब, क्या ही रेड माइन निकले वहाँ से भाई साहब, सारे लूज गायब हो चुके हैं, बेसिस काफ़ी तगड़े यहाँ पे एनिमी के। लेकिन गाइस देखते हैं परसेंटेज कितना खींच पाते हैं एंड देखते 78% हो चुका है अभी तक। तो यहाँ पे टाउन हॉल सिक्योर कर लेगी क्वीन, 80% हो चुका है, अभी भी इनके पास एक मिनट का टाइम बचा है। सो मेरे हिसाब से 90+ तो हो जाना चाहिए स्पेस पे, क्योंकि अभी इनके पास क्लीन अप तो बचा तो है नहीं, लेकिन क्वीन बची है, आई थिंक 90+ तो चल जाएगा आराम से। सो यहाँ पे 8 हो चुका है भाई साहब, ये क्वीन वॉल फोड़ रही है, अब गाइस क्या ही बोले इस क्वीन को, अब ये वॉल तोड़ने में 10 घंटे ले लेगी। बस देखते कितना परसेंट खींच पाते, 89% हो चुका है, 90 एंड 91%। सो गाइस फोर्थ हिट में हमारा 2 स्टार 91% रहा। सो गाइस देखते हैं अब मेरा हिट आने वाला है लास्ट हिट, तो गाइस देखते हैं मैं क्या कर पाता हूँ। तो गाइस लास्ट हिट आ रहा है मेरे साइड से और मैंने यहाँ पे यूज़ किया था क्वीन चार्ज पैका गो वाइप। सो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे क्वीन डिप्लॉय की थी एंड विजर्ड से फनल बनाया था, ठीक है, टाउन हॉल साइड से अटैक शुरू किया था मैंने, एक और टेस्टिंग के लिए आया था, वहाँ से टेस्ला पॉप होता हुआ, ठीक है, वॉल तो फूटी नहीं ऐसे एंड भाई साहब वॉल तो कहाँ जा रहे मेरे, मतलब कि भाई क्या बोले मैं अटैक में क्या हो गया था, वॉल ब्रेकर्स पता कर रहे थे मेरे, जो कि दिक्कत की बात हो रही थी बहुत। तो मुझे अपने मजबूर किंग डालना पड़ा था एंड गोलम, ताकि एक अच्छा सा पाथ बना लूँ मैं अपने विकास के लिए, ताकि बेस के अंदर तक जाए। एंड गाइस पता है मैंने गलती क्या की थी, इस अटैक में पता चल जाएगा आपको मेरी गलती क्या की थी, आपको खुद पता चल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा की बस। यहाँ पे ब्लैक में लगता हुआ हीलर को, यहाँ पे स्टार्क साइड ट्रूप्स आ चुके कोर में, सीसी में से निकले हेड हंटर विजेस और बेबी ड्रैगन। एंड गाइस गलती ये थी कि मैंने वैसा सीसी छोड़ी नहीं थी आपके, मैं मतलब लिटरली सीसी को छोड़ना भूल ही गया था अटैक में,
एंड पेका भाई साहब ये जाइंट जंप करेंगे, ये पेका जंप नहीं कर पाए जो कि दिक्कत की बात हो गई थी बहुत। सो किंग की एबिलिटी आ गई थी यहाँ पे, क्वीन अच्छे से मस्त काम कर रही है यहाँ पे, पीछे क्लीन अप कर रही है, मतलब डिफेंस को टेक डाउन कर लिए। एंड जो भी डिफेंस डिस्ट्रैक्टेड थे मैं उन पर डाल रहा था बहुत ग्राइडर्स, ताकि ट्रूफ तो ज़्यादा डैमेज ना आए अपने। एंड मुझे अपने क्वीन की एबिलिटी मजबूरन देनी पड़ी थी, तो देखते अभी भी बस आपने एक मिनट का टाइम बचा है एंड बेस के बेस में राखू बचा अभी तो वैसे तो देखते हैं क्या ट्रिपल हो पाएगा मेरा अटैक या नहीं। देखते हैं यहाँ पे पेकास बाहर की तरफ आ रहे जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। सीसी का पेका जो है वो मस्त हेल्पफुल हेल्प पे लगभग। अभी भी मेरे पास एक विज़र्ड बचा है, तो देखते हैं कितना जगह अटैक मेरा है। तो यहाँ पे आता है वो विज़र्ड एक आर्चर, एंड गाइस मेरा अटैक यहाँ पे होता हुआ टाइम फेल बोल रहा हूँ प्रॉपर फेल। एंड गाइस यहाँ पे मेरा अटैक हो गया यहाँ पे 90% प्रॉपर फेल। सो गाइस ये था हमारे 5 का अटैक, हमारे सबसे एक भी ट्रिपल नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बेस थे अपोनेंट्स के। सो गाइस देखते हैं अपोनेंट में कितने अटैक थे, मतलब कैसे अटैक किए थे एंड क्या हम ये मैच जीत पाएंगे या फिर नहीं, सो गाइस देखते हैं। तो गाइस ये रहा रिजल्ट आप लोगों के सामने, 4 अटैक में 7 स्टार है, हमने कैसे कहते 5 अटैक में 10 स्टार। अब उस उन्होंने एक अटैक किया ही नहीं था आपसे, अब आप बोलोगे कैसे अटैक क्यों नहीं किया होगा उन्होंने, अब वो पता नहीं उनकी कुछ हो गया होगा, कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से उन्होंने शायद जान मुझसे नहीं किया, क्योंकि गाइस हम वैसे भी अभी लीड में थे, मतलब उनका एक अटैक वहाँ पे 1 स्टार हो गया था एंड अगर अपोनेंट ट्रिपल मारता भी तो गाइस हम वहाँ पे परसेंटेज जीत जाते, क्योंकि हमने हर अटैक लगभग 90% हमने गेन किया था। गाइस सिर्फ खान का अटैक जो था वो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब लो परसेंट रहा था, लेकिन बाकी अटैक की बात करें तो यहाँ पे 85, 90, 91 और 90। तो गाइस हम परसेंटेज से हम आगे थे एंड उनकी बात करें तो उन्होंने यहाँ पे 64, 90, 74, 86 एंड उन पे तो डाइस पर अटैक नहीं होता। तो सर अपन अगर अटैक करता भी तो मतलब नहीं था, हम वैसे भी जीत जाते हैं परसेंटेज से। सो हो सकता है ये रीज़न होगा कि उसने जान मुझे अटैक नहीं होगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइस मुझे कमेंट के जरूर बताना, एंड गाइस अगर अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।